होता है अध्यात्म का खेल, वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि आदमी दुखों से भरा हुआ है। नानक जी ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार। ये संसार पूरा का पूरा दुखों से भरा हुआ है। सब संत महात्माओं ने कहा है, कहने का तरीका अलग था। किसी ने दुखों का घर बता दिया, किसी ने माया का जाल बता दिया, किसी ने यहाँ सजा के तौर पर दिखा दिया। अलग अलग तरीके से अपनी वाणियों में शब्दों का इस्तेमाल किया घुमा फिरा करके, लेकिन लक्ष्य एक ही था, ये बताना कि संसार सुख नहीं है। अब दुख भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको भी बांट दिया गया कि एक तो होते हैं अधि दैविक दुख, वो होते हैं मतलब देव शक्ति के प्रभाव से, पिछले जन्मों के प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव से, जिस प्रकार से बाढ़ आ जाना, कोई पहाड़ एकदम से गिर जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, भूकंप आ जाना, भूस्खलन हो जाना, इस प्रकार की नेचर, एकदम से कहीं भी तेज बारिश आ जाना, जो प्रकृति एकदम से अटैक करती है, उसको अधि दैविक दुख कहते हैं। दैहिक दुख होते हैं जिसे शरीर के अंदर रोग पैदा हुए, बीमारियां हुई, कष्ट हुए और भिन्न भिन्न कारणों से इस शरीर के ऊपर प्रभाव हुआ, भूख का, प्यास का, धूप का, सर्दी का, हर मौसम का, या एक दूसरे से लगने वाले रोगों का, अनेक प्रकार के कष्ट शरीर के अंदर होते हैं, ये देहिक दुख के अंदर आते हैं। फिर होता है भौतिक प्रकार के कष्ट, वो जिस प्रकार से परिवार में क्लेश हुआ, काम धंधा नहीं चलना, आपस में परिवार में शांति ना रहना, किसी बात को लेकर के मन मुटाव रहना, परिवार का बिखरना, समाज के अंदर अपकीर्ति फैल जाना, यानी बुराई फैल जाना, अपयश फैल जाना, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। इनके बाद एक और आता है, वो होता है मानसिक दुख। जब मैं संसार को देखता हूँ, मुझे कोई विरला जीव ही ऐसा मिलता है जो इस दुख से दुखी ना हुआ हो। क्योंकि संसार में अरबों जीव हैं, अरबों मानव हैं, लेकिन हर मानव मानसिक दुख से बहुत दुखी है। और उसका इलाज भी नहीं मिल रहा, डॉक्टरों ने काउंसलिंग के लिए हॉस्पिटल बना दिए, दिमाग के ऊपर काम करने की कोशिश की, मन के ऊपर काम करने की कोशिश की,
समझने की कोशिश की कि ये जीव कहाँ फंसा हुआ है, इसका दिमाग किस पॉइंट के ऊपर अटका हुआ है, कैसे ये निकलेगा। बहुत काम किया, थेरेपियाँ बना दी गई, लेकिन मानसिक कष्ट और बढ़ता गया। कारण क्या हुआ कि हम संसार में रहकर भी होते कहीं हैं, रहते कहीं हैं, विचार कहीं है, शरीर कहीं है, मन कहीं है, एक जगह नहीं रह सकते। बहुत से लोग यहाँ बैठे बैठे भी कहीं और गए हुए होंगे, बहुत से लोग कहीं और बैठे बैठे भी यहाँ आए हुए होंगे। ये मन का खेल है और ये कष्ट इतना आसानी से समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मन जहाँ से शुरू होता है वहीं जा करके इसको रोकना पड़ता है। आप कितने भी विचारों से इस मन को रोकने की कोशिश करोगे, मन नहीं रुकेगा। विचार से विचार को नहीं काटा जा सकता। ध्यान के अंदर आपकी सबसे बड़ी दुविधा यही है। इससे बड़ी दुविधा आप लोगों की कोई भी नहीं होगी। चाहे आप नज़र मार के देख लेना, चाहे आप बैठ करके ध्यान में सोच करके देख लेना, चाहे आप अकेले में खुद के ऊपर काम करके देख लेना, इससे बड़ी कोई दुविधा नहीं होगी। क्योंकि मन के विचार काबू में नहीं होते। बहुत लोग तो बैठे बैठे भी, बहुत क्या, लगभग लोग ही नाम की तरफ ना बढ़ करके संसार की सोचते रहते हैं। बहुत से जीव मैं देखता हूँ मशीन कपड़े सिलते सिलते भी कहीं और गए हुए हैं और बैठे बैठे कपड़े सिल रहे हैं। बहुत से लोग घर आ गए ऑफिस से, लेकिन ऑफिस का काम बंद नहीं हुआ, वहाँ तो बंद कर दिया। कंप्यूटर का, लैपटॉप का बटन ऑफ कर दिया क्योंकि टाइम हो गया। लेकिन जीव ये नहीं समझता कि साथ साथ में यहाँ से मन का बटन भी ऑफ कर दो, तो वो मन का बटन ऑफ नहीं किया। ये मानते हैं कि लैपटॉप अगर ऑन रहेगा तो इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी चली जाएगी। लेकिन जो आपकी एनर्जी जा रही है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि उसको तो पैसे लगे ना, और ये शरीर आपको मुफ्त में मिल गया, और जो चीज़ें मुफ्त में मिल गई उनकी अहमियत नहीं होती। इसी कारण से ये जीव पीछे रह गया। अगर साथ साथ में संसार के साथ साथ, सांसारिक वस्तुओं के साथ साथ मन का भी बटन बंद करना आ जाएगा। बहुत लोग सोचते होंगे कि मन का बटन कैसे बंद करें। ये जिस प्रकार से आपने लैपटॉप का बटन बंद कर देते हैं, वैसे ही साधना मार्ग के लोग, सिद्धों की तो बात ही अलग है, संतों का तो कहना ही क्या, साधक लोग
मन को ओफ कर देते हैं, विचार रहित कर देते हैं, यानी अहंकार रहित अहंकार। ये शब्द बड़ा खतरनाक है, ईगो लेस ईगो। अगर ये हो जाएगी तो आप अपने आप का अनुभव करने लगोगे, आत्मा का अनुभव करने लगोगे। ये बात मानना बड़ा कठिन है कि आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो। ये बात आपके हजम नहीं होती कि आपके अंदर परमात्मा विराजमान है। बहुत लोग सोच करके रह जाते हैं कि बात तो सही है, लेकिन ये है कैसे, ये तो असंभव सी बात है।